तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए। हे गाइस, वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा टाइटल होने वाला है इंडियन एग्जाम ग्रुप स्टडी एंड नाइट आउट चाइल्डहुड मेमोरी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयो बेटा, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा, 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार, तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मां कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है, इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाखला का बूम बूम देख लेता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं, इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार, इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 hour 45 minutes पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है, सुपर पावर्स। अंधे, पढ़ने चुपचाप। ठीक है मम्मी। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहां पर है चीज है। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघकर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है, अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना, तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी, आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना, तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। जनरल स्टोर से इसलिए क्योंकि बंटी के पास 1 कार्ड था ना। तो ये बातें मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे, इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? केरे सेमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती? प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी, उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कब दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का कहाँ गया? और 1 सेकंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है, नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है, 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पर साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा, और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा? हाँ। अच्छा जी हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा 1 सेकंड, टाइम मशीन
मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? नहीं तो? अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने की बात तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते? अल्बर्ट अगर मैं वहां पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E=mc² में से ई और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को एमसी बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था, तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है, अरे वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट सांस नहीं आ रही, मैं उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है राजू? हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी दो खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोल बेटे टमाटर की सब्जी बना दो ना। हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए, फिर पक्के बना दो। दो दो सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त ही मिटाते। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं, और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख लिया है ना। भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो। अरे ओ बंटी पगलेट, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं, और बस कर मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा, एक रात के लिए जा रहे हैं। हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाई का सामान लेके और एक बड़ी सी 5 लीटर की थम्सअप की बोतल भी लेके, जिसके अंदर थम्सअप भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्यों? किसी को नहीं पता, बंटी लेके आया था। और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा। बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बोतल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया, वो भी ठंड में। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो, पूरा 5 लीटर भिगा के आया था। भाई वो थम्सअप की बोतल में पता है कितना पानी आता है, वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स, मुझे पहले बंटी के बारे में जानना है। खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई, उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई, वो अगर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी, और 20 मिनट एनिमेशन बनाने के लिए ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही तुम्हारे पास टाइम। इसलिए इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, वो भी स्टोरी टाइम ही होगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पार्ट 2 में ना मैं और अच्छा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो बहुत ज्यादा फनी टाइप की थी और इसमें ये दिखाया गया था कि हम लोग जब स्कूल लाइफ होती है उसमें जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं उसमें क्या क्या बकचोदियाँ करते हैं, मतलब पढ़ाई छोड़कर बाकी सारी चीजें करते हैं, उसी पर एक फनी टाइप का वीडियो बनाया गया था एनिमेटेड और काफ़ी मज़ेदार था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।